हेलो फ्रेंड, सरकारी जॉब खबर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो है बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है ओडियंस क्लोथिंग फैक्ट्री ट्रेड अप्रेंटिस का, जिसमें जो है योग्यता मांगा गया है। या आप दसवीं किए हैं तो पर भी अप्रेंटिस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप जो है दसवीं प्लस ITI किए हुए हैं तब भी आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, सारे जानकारी देंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा वीडियो मंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई वैकेंसी से जुड़ी तमाम खबरें मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्या जो है नोटिस आया हुआ है, इसका सैलरी क्या है, सारे जानकारी इस वीडियो में देंगे। फ्रेंड्स, हमने जो है नोटिस का खोल रखा है, यह जो है देखिए, यह जारी इसमें जो है ITI और नॉन ITI वाले के लिए है। सबसे पहले आपको हम जो है सीट दिखा देते हैं। नॉन ITI वाले के लिए कितना है, UR में 39 है, SC में 14 है, ST में नहीं है, OBC में 19 है, टोटल जो है 72 सीटें हैं। किसके लिए, तो नॉन ITI वाले के लिए, जो केवल जो है 10th पास किए हैं उसके लिए जो है 72 सीटें हैं। और ITI वाले के लिए कितना है, UR में 57 है, SC में 14 है, ST में 1 है, OBC में 29 है, टोटल सीट जो है 108 सीटें जो है ITI 10th प्लस जो है ITI वाले के लिए है। तो आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। यह जो है इसमें चलिए देखते हैं एज लिमिट जो है कितना है। एज लिमिट जो है 14 से ईयर से लेकर अपर जो है अपर का जो रिस्ट्रिक्शन होता है ओबीसी का तीन साल और जो है SC ST का 5 साल जो होता है, लगभग 27 साल ईयर तक जो है अपर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपको जो है फॉर्म भरने से पहले आपका जो है कितना मार्क रहना चाहिए। आपका जो 10th स्टैंडर्ड में 50% मार्क रहना चाहिए मैथ और साइंस के साथ, जिसमें आपका मैथ और साइंस में जो है 40% मार्क रहना आवश्यक है। अब देखते हैं कि ITI वाले के लिए, तो ITI वाले के जो है NCVT और SCVT कोई भी फैकल्टी से हैं, आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है कैसे भरा जाएगा वह भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन का प्रोसेस बता देते हैं। इसका सिलेक्शन जो है होने वाला है, जो स्टूडेंट 10th पास हैं तो उसका जो है मार्क बेसिस पर होगा, और जो है स्टूडेंट जो है 10th प्लस जो है ITI पास हैं उसका सिलेक्शन जो है 10th के मार्क का 50%, जितना ओवरऑल मार्क आया उसका 50%, और ITI में जितना मार्क आया हो उसका 50%, दोनों को जोड़ के जो है आपको मेरिट बनने वाला है। यह जो है मेरिट बेस्ड टाइप का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसमें जो है आपको स्टाइपेंड के रूप में जो है कितना मिलने वाला है। तो नॉन ITI वाले को जो है 6,000 रुपये प्रति मंथ में स्टाइपेंड के रूप में मिलने वाला है। फर्स्ट ईयर में आप एक साल जो है उसमें अप्रेंटिस कीजिएगा, 6,000 रुपये प्रति मंथ मिलेगा, और सेकेंड ईयर में आपको जो है 6,600 रुपये प्रति मंथ मिलने वाला है। ये है नॉन ITI वाले के, जो स्टूडेंट 10th पे कर किए हैं, और ये है ITI वाले के लिए। तो ITI वाले के लिए फर्स्ट ईयर में नहीं दर्शाया गया है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपका जो है 7,700 रुपये प्रति मंथ जो है आपको मिलने वाला है अप्रेंटिसशिप में। ये फॉर्म जो आपको ऑफलाइन भेजना है तो कहाँ भेजना ये है, ये देखिए आपको जो है यहाँ ये एड्रेस पर जो आपको फॉर्म भेजना है। आप बोलिएगा फॉर्म कहाँ मिलेगा, आप जो है हमारे टेलीग्राम सरकारी जॉब खबर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप जो है टेलीग्राम पर जाके भी सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब खबर बिना स्पेस का, सरकारी जॉब खबर बिना स्पेस का सर्च कीजिएगा। आपको इस यहाँ पे जो है ये PDF आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके आप जो है फॉर्म भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के द्वारा या रजिस्ट्री डाक के द्वारा, कोई भी माध्यम से आप जो है इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। आप एड्रेस देख लीजिए, फिर दोबारा से आप जो है इस एड्रेस पे जो है इसको फॉर्म को भेज सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जितना भी डिटेल है सारे डिटेल को जो है फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।